हेलो मैकेनिक दोस्तों, आज हमारे पास कस्टमर लेकर के आए हैं होंडा की बेस्ट बाइक होंडा सीबी साइन 125 सीसी वाला वेरिएंट है। गाड़ी जो है वो हमारा BS3 वाला वेरिएंट है। तो जैसे हम बाइक को स्टार्ट करते हैं तब हमारे इंजन से क्या होता है, एक अजब तरह का साउंड क्रिएट हो रहा है। चलिए हम आपको बाइक स्टार्ट करके दिखा देते हैं कि हमारी गाड़ी में आखिर कौन सा साउंड हो रहा है। तो मैकेनिक दोस्तों, यहाँ पे आपको काफ़ी लीकेज का प्रॉब्लम देख रहा होगा, बट हम अभी इस चीज़ पे फोकस नहीं करेंगे। हमारे पास जो गाड़ी कंप्लेन लेकर के आई है वो साउंड को लेकर के आई है। चलिए फिलहाल हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हमने गाड़ी स्टार्ट किया तो आप लोग साउंड सुन पा रहे होंगे कि हमारी गाड़ी किस तरह से आखिर साउंड क्रिएट कर रही है। तो अब हमें चेकआउट करना है कि आखिर इसके इंजन में इंजन ऑयल नहीं है या इसका टैफेट है वो पूरी तरह से लूज हो चुका है, यानी ढीला हो गया है, या फिर इसका जो रोकर आर्म है वो ख़राब हो चुका है। वो सब चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले इसकी टंकी और सीट को ओपन करना पड़ेगा और फिर इसके हेड कैप को भी हम बाहर निकालेंगे। इसके बाद बताएंगे कि आखिर इसमें कौन सी प्रॉब्लम हुआ है। तो मैकेनिक दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड, वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैकेनिक दोस्तों, हम इसके सीट और टंकी को ओपन करने से पहले सबसे पहले क्या करेंगे, इसके इंजन ऑयल को चेकआउट करेंगे कि इसके इंजन में ऑयल है या नहीं है। तो चल सबसे पहले हम इसके गेज को ओपन करते हैं। पहले हम इंजन ऑयल को चेक कर लेंगे कि इसके इंजन में ऑयल है भी या नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इंजन ऑयल नहीं रहने के कारण इंजन बहुत ही ज़्यादा साउंड क्रिएट कर रहा है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि हमारे गाड़ी में जो हो वो इंजन ऑयल जितना रहना चाहिए उसके मैक्सिमम से ज़्यादा ही है, बट इंजन में फिर भी साउंड है। तब इसके क्या करेंगे, इसके हम टंकी को ओपन करते हैं और फिर इसके रोकर आर्म को सेटिंग करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसके टंकी और सीट को ओपन कर लेते हैं। तो मैकेनिक दोस्तों, हमने इसकी टंकी को ओपन कर लिया। अब यहाँ पर आपको 10 mm के बोल्ट देखने को मिल रहा होगा, एक इधर है और एक आपको इस साइड देखने को मिल रहा, और साथ में यहाँ पे भी दो जो एग्जॉस्ट पाइप होता है उसके मिलेंगे। चलिए चारों बोल्ट को ओपन करेंगे फिर इसके टैफेट को सेटिंग करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इन चारों बोल्ट को ओपन कर लेते हैं। तो मैकेनिक दोस्तों, हमने सारे बोल्ट को ओपन कर लिया। अब चलिए इसको हम कवर को बाहर निकाल लेते हैं। तो हमने बाहर निकाल लिया है, यहाँ पर आपको दिख पा रहा होगा। जो हमारा टैफेट है वो कुछ ज़्यादा ही लूज हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते होंगे। जो हमारा साउंड आ रहा था वो किससे आ रहा था, इस हमारे टैफेट आर्म रोकर से। तो चलिए हम पहले इसके यहाँ पे जो टी पॉइंट होता है उसको सही तरीके से मिला लेंगे, फिर इसके टैफेट को हम एडजस्ट करेंगे। तो अगर आपको टॉप पे पिस्टन को नहीं लाना आता है तो अगर अदर बाइकों में आप यहाँ पे देख सकते हैं, बट ये बाइक है तो आपको यहाँ पे इजी तरीके से पता चल जाएगा कि हमारा जो पिस्टन है वो टॉप पर है या नहीं है। तो क्योंकि यहीं पे हमारा जो निशान बना हुआ है, इसी में हम, चलिए पहले हम आपको टॉप पर ला करके दिखाएँगे फिर इसके टैफेट को एडजस्ट करेंगे। तो मैकेनिक दोस्तों, जिसको जैसे ही हमने इसको टॉप पर लिया तो यहाँ पर आपको हल्का सा प्ले देखने को मिल रहा होगा, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है, बट ये जो, तो जैसे हम इंटेक वाले रोकर को चेक कर रहे हैं तो हमारा क्या है, बिल्कुल सही है, बट जैसे हम एग्जॉस्ट वाले को चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा प्ले देखने को मिल रहा होगा, जिसकी देख सकते हैं आप यहाँ। तो यहाँ पे जो हमारा ख़राब हो चुका है, यहाँ पे रोकर ख़राब हो चुका है, आपको यहाँ पर दिख पा रहा होगा, देख सकते हैं आप, यहाँ पर हमारा रोकर जो है बिल्कुल ख़राब हो चुका है। अब इसको क्या करना है, हमें इस वाले हेड को ओपन करने पड़ेगा, फिर इसको रॉकर को चेंज करेंगे। इसी के कारण हमारा जो इंजन में था बहुत ही ज़्यादा साउंड हो रहा था। तो चलिए सबसे पहले हम इसके हेड को ओपन करते हैं फिर इसके रॉकर को चेंज करेंगे। अब हमें रॉकर चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके टाइमिंग को ओपन करेंगे और साथ में जो 12 mm के बोल्ट है उसको भी हम ओपन करेंगे, फिर इसके रॉकर को हम चेंज करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम चारों बोल्ट को ओपन कर लेते हैं, फिर आपको दिखाएंगे कि किस तरह से चेक करना है।
लेकिन दोस्तों हमने सारे बोल्ट को ओपन कर लिया। चलिए इसके हेड को हम निकालते हैं बाहर कुछ इस तरह से। ये हमारा हेड बाहर आ चुका है। अब इसके यहाँ पे आपको ये 8mm के बोल्ट दिख रहा है, इसको ओपन करेंगे फिर हमारा जो रॉकर आर्म है वो बाहर आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम इस वाले बोल्ट को ओपन करेंगे फिर हमारा रॉकर जो है वो बाहर आ जाएगा। तो मैकेनिक दोस्तों आप क्या करेंगे, हम इस वाले बोल्ट को ओपन कर लेते हैं। ओपन कर लिया। अब यहाँ पे आपको एक पिन देखने को मिल रहा है, इसको इस पिन को जैसे हम बाहर निकालेंगे हमारा जो रॉकर है वो बाहर आ जाएगा। आप देख सकते हैं हमने इस पिन को बाहर निकाला, हमारा रॉकर जो है वो बाहर आ चुका है। अब यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि हमारा रॉकर पूरी बुरी तरीके से पूरा ख़राब हो चुका है। जो इसका बेयरिंग होता है वो सारे चीज़ टूट चुके हैं और एक साइड से पूरा घिस गया है, आप लोग देख पा रहे होंगे। आप क्या करेंगे, इसमें नया रॉकर आर्म मुझे हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। चलिए हम रॉकर आर्म को ले आते हैं फिर आपको फिटिंग के दौरान सारे प्रोसेस बताएंगे। दोस्तों हमने नया वाला रॉकर ले आया, अब चलिए इसको फिट करते हैं। तो कुछ इस तरह से रहेगा हमारा जो है आर्म रॉकर। तो जो हमने पिन को बाहर निकाला था उसको क्या करेंगे, हम आसानी से अंदर फिट कर देते हैं। कुछ इस तरह से आप देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पे आपको छोटा सा एक स्क्रू देखने को, 8mm का स्क्रू जो है उसको भी टाइट करने के लिए यहाँ पे आपको एक होल देखने को मिलेगा, उसको हम इसको अपनी जगह पे ले आते हैं। अब यहाँ पे जो हमने स्क्रू को ओपन किया था उसको हम क्या करेंगे, फुल टाइट कर देंगे ताकि हमारा बाद में ओपन ना हो सके। तो इसको हम कुछ इस तरह से टाइट कर दिए। हमने दोनों बोल्ट को अच्छी तरह से टाइट कर लिया। चलिए हम गाड़ी के पास ले चलते हैं और इसको अच्छी तरह से फिट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड गाड़ी के पास चलते हैं। तो मैकेनिक दोस्तों हम गाड़ी के पास पहुंच चुके हैं, यहाँ पे हम कुछ इस तरह से इसको फिट कर लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं हमने इस चीज़ को फिक्स कर लिया। अभी हम तो टाइमिंग चेन को नहीं लगाएंगे, पहले हम जो चारों बोल्ट को ओपन किए थे उसको हम पहले फिट कर लेते हैं। जो हमारा 12mm की बोल्ट था चलिए हम इसको फुल टाइट कर लेते हैं फिर आपको टाइमिंग चेन लगाने का प्रोसेस बताएंगे। तो मैकेनिक दोस्तों हमने सारे बोल्ट को अच्छी तरह से टाइट कर लिया। अब जैसे हम टाइमिंग चेन को लगाने की कोशिश करेंगे आपसे ये फिट नहीं होगा। और फिट इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे आपको एक टाइमिंग चेन एडजस्टर देखने को मिल रहा है, जब तक इसको आप ओपन नहीं करेंगे तब तक आपका यहाँ टाइमिंग चेन फिट नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले हम दोनों 8mm को वाले बोल्ट को ओपन कर लेंगे फिर हमारा टाइमिंग चेन ईजी तरीके से फिट हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम दोनों को ओपन कर लेते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे टैपेट एडजस्ट चेन एडजस्टर को ओपन किया तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, टाइमिंग चेन इजी तरह से लग चुका है। अब चलिए इसके दोनों बोल्ट को हम पहले टाइट कर लेते हैं। हमने इस वाले बोल्ट को छिद्र से टाइट कर लिया। आप क्या करेंगे, जो इसको टाइमिंग चेन एडजस्टर को फिट करेंगे तब यहाँ पे आपको पूरी तरह से खुला हुआ मिलेगा। उसको पूरी तरह से टाइट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इस तरह से कुछ कर देना है। आप देख सकते होंगे हमारा टाइट हो चुका, यानी कि हमने इसको टाइट करके पूरी तरह से टाइट कर दिया, आवानी की छोटा हो गया। नहीं तो अगर उसी तरह लगा देंगे फिर क्या होगा, हमारा टाइमिंग चेन ज़्यादा टाइट होने के कारण हो गाड़ी जल्दी से स्टार्ट नहीं होगा। अब जो इसके पैकिंग है उसको भी फिट करेंगे, इसमें थोड़ा सा रेजीबोंड का अप्लाई करके लगाएंगे ताकि इसमें लीकेज का प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें रेजीबोंड लगा करके इसको फिट कर लेते हैं फिर आपको बाइक स्टार्ट करके दिखाएंगे। अब सारी चीज़ों को असेंबल करने के बाद हमारा लास्ट में आ जाता है टैप हेड एडजस्टमेंट। तो टैपेट एडजस्टमेंट अगर आपको नहीं आता तो हमने उसका वीडियो अलग से बना रखा है, हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ से जाकर के आपको देख सकते हैं कि हम किस तरह से टैपेट को एडजस्ट किया जाता है।
तो चलिए हम इस बाइक का भी एडजस्टमेंट कर लेते हैं, फिर हम फाइनल गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। तो हमने टैफेट को भी एडजस्टमेंट कर लिया है, अब चलिए हम गाड़ी को फाइनल स्टार्ट करते हैं। तो बाइक को स्टार्ट करने से पहले क्या करेंगे, हम इसके हेड कैप को भी फिट कर लेते हैं, क्योंकि गाड़ी जब स्टार्ट है तो हमारी तो सब इंजन ऑयल ऊपर आ ही रहा होगा। अगर उसके बारे में आपको जानकारी नहीं है तो उसका वीडियो हमने अलग से बना रखा है, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, वहाँ से आप जा करके देख सकते हैं। तो चलिए हम इसके ऊपर थोड़ा सा रेजिबोंड का अप्लाई कर लें ताकि हमारा लीकेज ना हो, और फिर इसको फिट कर देंगे। अच्छी तरह से हमने इसमें रेजिबोंड लगा लिया, अब चलिए हम इसको करते हैं फिट। मैं कहूँ दोस्तों, अगर आपको इसके इंजन और हेड तक नहीं आने का नहीं आता है तो उसके बारे में अगर जानकारी लेना हो तो हमने उसका वीडियो बना रखा है, वहाँ जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए हम इसको फिट कर लिए। अब जो हमने इसका बोल्ट को ओपन किया था उसको भी टाइट कर लेते हैं, फिर आपको गाड़ी फाइनल स्टार्ट करके दिखाएंगे। तो मैकेनिक दोस्तों, हमने सारी चीज़ों को संभाल कर लिया, अब चलिए गाड़ी को फाइनल स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने सिंगल किक में गाड़ी स्टार्ट हो रही है। तो जब भी कस्टमर आपके पास इस तरह का प्रॉब्लम को लेकर के आता है तो आपको इसी तरह से उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकालना चाहिए। तो मैं कहूँ दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो से कुछ सीखने लायक चीज़ मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छी सी टॉपिक लेकर, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।